है वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। कई लोग के आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे जो बालों का हेयर फॉल है वो रुक नहीं रहा है, जो हमारी हेयर लाइन है वो पीछे की तरफ जा रही है, तो हमें कुछ उपाय बताइए, हमें कुछ फॉर्मूला बताइए। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर एंड तक पूरी जानकारी देने वाला हूँ कैसे आपका जो बाल हेयर फॉल हो रहे हैं लगातार, आपकी जो हेयर लाइन पीछे की तरफ जा रही है उससे आप किस तरह से रोक के अपने बालों को रीग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे इस वीडियो के एंड तक, मैं आपको इस वीडियो के एंड तक बताऊंगा कैसे आप अपने बालों को जो झड़ रहे हैं, जो हेयर फॉल हो रहा है लगातार, उसे कैसे आप रोक सकते हो और अपने बालों को तेजी से रीग्रो कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगा उन लोगों को जो हमारे वीडियो को देखते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अभी तक नहीं रखा है हमारे, उनसे इतनी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जो रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो घंटे का आइकन दिखा रहा है उसे ऑल की नोटिफिकेशन करके हमारे फैमिली का हिस्सा जरूर बने। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आप अपने बालों को सुंदर बनाने के लिए, आप अपने बालों को अच्छी देखभाल करने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल करते हो, लेकिन आपको वो शैम्पू के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, आपको ये ध्यान नहीं होता कि उसमें किस तरह के इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, क्या आपके बालों को वो डैमेज तो नहीं करेंगे, नुकसान तो नहीं करेंगे। आप इन सब बातों को फॉलो नहीं करते हो जिससे आपके बाल थिन हो जाते हैं, डैमेज आपके बालों को होता है और आपका हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। आपको याद रखना हो कि आपका जो शैम्पू है वो सिलिकॉन फ्री होना चाहिए, सल्फेट फ्री होना चाहिए और पेडाकोर फ्री होना चाहिए। इंग्रेडिएंट्स आपके बालों की जड़ों को डैमेज करते हैं और आपके बालों को थिन करके आपके बालों का हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे आपकी हेयर लाइन वो भी पीछे की तरफ चली जाती है। सेकंड है कंडीशनर। अगर आप कंडीशनर किसी भी अच्छे ब्रांड का आप कंडीशनर यूज कीजिए, क्योंकि ये कंडीशनर आपके जो डैमेज बाल होते हैं उसे रिपेयर करते हैं प्रॉपर तरीके से, जो थिन बाल हो जाते हैं उसे स्ट्रांग बना के फिर से रीग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए आपको कुछ अच्छी बेस्ट ब्रांड का आपको कंडीशनर यूज करना होगा। आपको ये कंडीशनर 1 वीक में 2 से 3 बार इसे कंडीशनर को फॉलो कीजिए। थर्ड है डाइट एंड एक्सरसाइज। अब ये सभी लोग सोचने लगे होंगे डाइट से और हमारे बालों से क्या संबंध है। दोस्तों यही बात है, यही बात आपके बालों का झड़ना स्टार्ट करा देते हैं और ये आपके बाल झड़ते ही रहते हैं। आपको सबसे पहले अपनी डाइट पे ही ध्यान देना होगा, क्योंकि जो आपकी डाइट होती है आपके पूरी तरह से शरीर को वो मेंटेन रखती है। अगर आप जंक फूड का सेवन करते हैं, पिज्ज़ा हुआ, बर्गर वगैरह वगैरह, बहुत तरीके के जंक फूड है वो लोग उसका सेवन करते हैं, जिससे हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो इनबैलेंस हो जाता है। इनबैलेंस होने की वजह से हमारे शरीर को उसका भुगतान भुगतना पड़ता है, कहीं हमारे बालों, सबसे मेन इसका जो असर पड़ता है वो बालों पे पड़ता है। हमारे बालों की हेयर लाइन पीछे की तरफ जाती है और बालों का हेयरफॉल लगातार बढ़ता जाता है, ये रुकने का नाम तक नहीं लेता। इसलिए आपको जंक फूड का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपको अपनी डाइट में अच्छी तरह का न्यूट्रिशन लेना चाहिए, और इससे एक्ने की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और एक्सरसाइज, अगर आप अपने 1 वीक में, अगर आप डेली 30 मिनट अपने शरीर को एक्सरसाइज में देते हैं, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन हाई हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन इतना मेंटेन रहता है जिससे आपकी जो शरीर में जो हेयर फॉल जो मात्रा बढ़ गई है उसे कम करता है ब्लड सर्कुलेशन, के आपके बालों को और वगैरह किसी भी तरह की प्रॉब्लम में आपको बहुत ज़्यादा मदद देता है। इसलिए आपके जो ब्लड सर्कुलेट है आपके बालों को रीग्रो करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप डेली 30 मिनट, ज़्यादा नहीं, सुबह या शाम 30 मिनट अपने ब्लड सर्कुलेशन के लिए एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। चौथा है जो 90% लोग उस चीज़ का फॉलो करते हैं, अपने बालों में अलग अलग तरह की फैशन दिखाने के लिए हेयर स्ट्रेचेबल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं और हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपके बालों को सबसे ज़्यादा इन दो प्रोडक्ट्स से ही आपके बालों को उसका नुकसान देखने को मिलता है। जो आपके बालों की जो जड़ें होती है उनमें ड्राइनेस आ जाती है और ये डैमेज इतनी ज़्यादा करते हैं कि आपके बाल इतने ज़्यादा पतले हो जाते हैं, इतनी आपकी चमक तो बालों की पूरी तरह से निकल ही जाती है और आपके बाल धीरे धीरे स्टार्ट हो जाते हैं, हेयरफॉल स्टार्ट हो जाता है। और आप कहते हो कि सर हमारी जो हेयर लाइन है वो पीछे की तरफ चली गई है, मैं अब आपको ऐसी थेरेपी बता रहा हूँ जिन लोगों को ये समस्या से जूझ रहे हैं, अपने बालों को फिर से रीग्रो करना चाहते हैं, ये होगा 100%। ये कोई भारी ट्रीटमेंट नहीं है, आप अपने घर में ही एक कुछ ऐसी सामग्री का इस्तेमाल करके आप अपने बालों को 100% जो नेचुरली है, थोड़े दिनों बाद आपका उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा, लेकिन ये 100% मिलेगा ही मिलेगा। बस आप किसी की बात मत सुनना, आप इस थेरेपी का इस्तेमाल ज़रूर करना। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, रात में सोने से पहले आपको एक नारियल का तेल लेना है, उसे गुनगुना कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, हल्का सा उसे गुनगुना करके हल्के हल्के हाथों से अपने बालों में जहाँ जहाँ बाल आपके जो हेयर लाइन पीछे की तरफ चली गई उसे आप मसाज कीजिए। और जिन लोगों का हेयर फॉल हो रहा है उनका हेयर फॉल ये 1 वीक के अंदर अंदर बंद ही हो जाएगा। आप इस थेरेपी को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जो नारियल का तेल में इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स पड़े होते हैं जो आपके बालों को हेयर फॉल होने से रोकते हैं और जो अभी आपके डैमेज बाल हो चुके हैं उसे फिर से रिपेयर करके फिर से रीग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। और कई लोग बोलते हैं जिन लोगों की जो हेयर लाइन है पीछे की तरफ जा रही है उन लोगों को क्या करना होगा,
नारियल के तेल से मसाज करने का एक कंघा लेके आपको पीछे से आगे की तरफ लेके आना, पीछे से बार बार यूँ आगे की तरफ लेके आएंगे, जिससे यहाँ पे हमारा ब्लड सर्कुलेशन हाई होगा और हमारे बाल यहाँ से रीग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, ज़्यादा लोग के क्या होते हैं यहाँ से जो स्टार्ट हो गए वो लोग तो अभी इस थेरेपी का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन कई लोगों को क्या होता है यहाँ से आधा गंजापन, जिसे आप कहते हो आधा गंजापन हो जाता है, उन लोगों को अगर अपने बालों को रीग्रो करना है तो एलोवेरा का इस्तेमाल कीजिए। आप एलोवेरा एक कटोरे में निकाल लीजिए ओरिजिनल, ना कि किसी भी तरह का प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, ओरिजिनल मैं बता रहा हूँ, ओरिजिनल आप ले लीजिए, आप उसमें कटोरे में निकाल लीजिए, उस जेल को आप हल्के हल्के हाथों से यहाँ पर रफ कीजिए, जहाँ पर आपको आधा गंजापन है वहाँ पर आप हल्के हल्के हाथों से रफ कीजिए, आप देखिएगा कि आपको कैसे 1 मंथ के अंदर अंदर इसका रिजल्ट बहुत अच्छी तरह से देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये वीडियो की जानकारी आपको 100% बेनिफिट देगी। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के ऑल की नोटिफिकेशन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तो धन्यवाद।